देश भर में आज रक्षाबंधन का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। खंडवा की शहीद जननायक टंटिया भील जिला जेल में बंद कैदियों को भी उनके बहनों ने राखी बांधी। जो भाई किसी कारण से अपराधों में लिप्त होकर जेल में बंद है, उनकी कलाई सुनी ना रहे, इसलिए जेल प्रशासन ने बहनों के लिए विशेष व्यवस्था की। यहाँ पर बहनें खुली मुलाकात के जरिए अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांध रही है। जेल अधीक्षक अदिति चतुर्वेदी ने बताया कि आज रक्षाबंधन के अवसर पर जेल में बंद कैदियों के लिए विशेष व्यवस्था की गई, जहां खुली मुलाकात करते हुए उनकी बहनें राखी बांधकर रक्षाबंधन का त्योहार मनाए। जेल मैनुअल के अनुसार सभी व्यवस्थाएं की गई। कुछ बहनें सुबह से आती हैं, जिन्हें दुकान सुबह से बंद मिलती है, इसलिए इस बार कैंटीन में राखी की व्यवस्था की गई। इसमें राखी का पूरा पैक है, जिसमें मिठाई, नारियल, रुमाल, सभी प्रकार की चीजें, जो जेल की सुरक्षा के लिए भी ठीक है। मैम, आप राखी का त्यौहार है, किस तरह की ऑर्डर है और अभी क्या व्यवस्था की है? प्रतिवर्ष की तरह इस साल भी अपनी राखी पर सभी बंदे भाइयों की, अपनी बहनों से, अपनी माताओं से खुली मुलाकात करा रहे हैं। और इसमें हम शासन के द्वारा जारी किए गए नियम, इसमें कि बंदियों को दो पीस मिठाई के, राखी, नारियल, रुमाल वगैरह, ये सारी चीजें अलाउ करी गई है। इसमें जो महिलाएं आ रही हैं, वो महिलाएं और बहनों के अलावा पांच साल तक के बच्चे जो है, उनको भी सम्मिलित किया गया है। इसके लिए हमने अलग से प्रेस विज्ञप्ति भी जारी करी थी कोर्ट में, जिसमें हमने नियमों का उल्लेख किया था। वर्तमान में 106-107 बंदियों की लगभग मुलाकात हो चुकी है और ये अभी करीब करीब 3-4 बजे तक वाइंड अप हो जाएगा। इसमें हमने समय मेंशन किया है कि 12:30-12 बजे तक ही हम नामों की एंट्री करेंगे और उसके बाद बाकी लोगों से मुलाकात करेंगे। खंडवा से मुश्ताक मंसूरी की रिपोर्ट।